आज मैं आपको मटन और मटर की रेसिपी कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। मैंने हाफ के जी मटन लिया है, साथ एक प्याली में मटर लिया है, एक प्याज लिया, इसको मैंने बारीक काट लिया है, अदरक और लहसुन इसको मैंने पीस कर लिया था, इसको पीस लूँगी। और साथ एक बड़ा सा मैंने टमाटर लिया है, दो अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जब मैं गोश्त को बॉईल करूँगी तो तब डालूँगी, प्याज है, अदरक, लहसुन और मिर्ची मसाले, गरम मसाला डालूँगी, टर्मिक पाउडर और नमक ऐड करूँगी जब इसको बॉईल करना है। ये मसाला बनाने के लिए है रेड चिली पाउडर, टर्मिक पाउडर हसब ज़रूरत, नमक हसब ज़रूरत और मेथी। आए अब बॉईल करने के लिए पानी रखता हूँ। सूप बनाने के लिए हमने पानी कुकर में रखा है 1.5 ग्लास, इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे, नमक हसब ज़रूरत, टर्मिक पाउडर, गरम मसाला। पेस्ट डालूंगी, कटी हुई ऑनियन का मैंने पेस्ट बना लिया है, फ्राई हो गया। Thank you.
मटर जब हाफ फ्राई हो गया तो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम उसको पांच मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा मटर हाफ फ्राई हो गया, इसमें दो प्याज सूप ऐड कर देंगे। इसकी सही ग्रेवी बन जाए हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।